जस्साई बा, अपन नवासी के मुंह देख के हमार मन पिघल गई। हम सोचनी कि हम ही समझौता कर लेता नहीं। हम एकरा घरे गई, एकरा के घर जमाई बने के ऑफर देवे, साथ में घर गाड़ी बंगला बिजनेस सब कुछ देवे के ऑफर दे। लेकिन ई दुख कौड़ी के ड्राइवर अपन ईगो और घमंड में हमार ऑफर के ठुकरा दल। ओए फिर कहता नहीं, दुख कौड़ी का मत बोला हमके। अरे जब इन्होंने बोल दिया है कि ये दो कौड़ी के नहीं है, तो बार बार अभी ने दो कौड़ी के क्यों बोल रहे हैं? अगर ये आपको बार बार बुढ़ा बोलेंगे तो चलेगा आपको? सॉरी सॉरी। नेक्स्ट। मधु, जो आपके पापा कह रहे हैं क्या वो सही है? बिल्कुल सही बात बाबू, हम एकदम भोली और मासूम रहने, जोन राजा अपना प्यार में हमरा के फुसला लेलस। फुसला ले ले। अरे जज साहिबा, जब हमरा से मिलल रहली तो अपन एजुकेशन पूरा करके आई रहली, पूरा 21 बरिस कर रहली, आ 21 बरिस की उम्र में दूध पियत रहली कि हम इनका के फुसला लेनी। आज हम चुप ना रहब, सब कुछ बोल दे। हाँ हाँ, चुप काहे के रहबू देवी जी, आजे तो मौका मिलल बाटे अपन सगरी जोहर उगल द। मधु जी, शुरू से बताइए। जी जज साहिबा, ये हमरा पापा के ऑफर ठुकरा के हमके 10x10 के कमरा में रख लस, हम एकर प्यार में सब एडजस्ट कर लेनी। अरे एहसान कैलू देवी जी, आगे पुचकार। जज साहिबा, ये हमरा के सपना दिखावले रहे कि एक टैक्सी से कमा के दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, बहुत मेहनत करी और मेहनत करके अपन ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोली, हमरा के देश विदेश घुमाई। लेकिन सच तो ये बा कि एगो टैक्सी जो रहे वो भी एकर काम चोरी के वजह से खटारा हो गई। हम काम चोर ना बल्कि ते एहसान फरामोश बड़े। अरे तोरा के हमरे प्यार के कदर नहीं के बुझले। हमरा के एहसान फरामोश का तारा, हम तोहरा चक्कर में अपन पापा के घर छोड़ देनी। हाँ, लेकिन वही बाप की वजह से आज हमरा के छोड़ा तड़ू। तू बाड़ा ही यही लायक, तोहरा साथ केहू ना रह सकेला। ए तू, आ तू तो अपने बाप के टू कॉपी बड़े, तोरा से बतियावल आ दीवाल में कपार लड़ावल एक बराबर बाटे। हमरा बाप के बीच में घसीटला ना तो हमरा से बुरा केहू ना होई। अरे तोहरा से बुरा केहू होइयो नहीं खे सकत, बुझाइल? पागल तू, पागल तोर बाप, पागल तोर पूरा खानदान, पागल तोर मलिया, पागल। पागल बना दिया है मुझे आप दोनों ने। देखो, अगर अब आप दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ ना, तो ये कोर्ट बर्खास्त हो ना हो मैं रिजाइन दे दूंगी। सॉरी जज साहिबा, हम कभी शिकायत ना करनी, लेकिन जब हमारे बेटी पैदा भई तब हम समझौता ना कर पाईनी। हम अपना बेटी के अच्छा परवरिश देवे के चाहत रहनी, लेकिन इनकर कम कमाई में वो पॉसिबल ही ना रहे। पहले तो इनकर जेब में 1000-2000 मिल भी जात रहे, लेकिन इनकर काम चोरी की वजह से 100-200 मिलल भी मुश्किल हो गई। इस सब से हम परेशान हो गई और अपना पापा से खर्चा के पैसा मांगनी, तो ये बात आदमी के बर्दाश्त ना भई और अपना झूठा खुददारी की वजह से हमरा से लड़ाई कर लेलस और हमरा के एक दिन थप्पड़ भी मार देलस। फिर भी हम रोध होके मान गई नी। अरे रोध होके ना मान लू देवी जी। अरे जज साहिबा, ओकर बदला निकाले खातिर रोज दाल में खांची भर भर के नमक डलली और सब्जी बिना नमक के खियोली। जज साहिबा, एकरा अंदर ना सिर्फ और सिर्फ ईगो भरल बा। ई अपना ईगो के आगे ना दुनिया में कुछ भी ना देखेला, ना पत्नी के सुख, ना बेटी के भविष्य। हम ऐसा इंसान के साथ अब बिल्कुल ना रह सकेनी। सारे आरोप, प्रत्यारोप और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि पति और पत्नी के बीच के संबंध बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और आगे पैचअप की भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जज साहिबा, कोनो भी फैसला लेला से पहले एक बार हमरे बच्ची से तो पूछ लें कि वो केकरा साथे रहल चाहती है। बेटी की उम्र महज 7 साल है और अभी वो अपना फैसला लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये अदालत बच्ची की कस्टडी माँ को सौंपती है और ये अदालत तलाक की अर्जी को मंजूर करती है, क्योंकि राजा बच्ची के पिता हैं तो अदालत की सहानुभूति भी है उनके साथ। इसलिए अदालत मधु को ये आदेश देती है कि हर हफ्ते 1 घंटे बच्ची को पिता से मिलने दे। The court is adjourned. Papa. Papa.
तोहर पापा भी तोहरे बिना ना रह पाई हैं। टाइम से खाना खा लिया और रोई हम अपने मम्मी के परेशान मत कर, ठीक ना? ठीक बा पापा। चिलगो जा, हमारी है ना कमी बटे कि हम अपना खुददारी से समझौता ना कर पाने। बिल्कुल ये कमी बदवा। इस सगरी ससुरा मिल के हमसे हमार बेटी के छीनल चाहता ना सो। आप ते ही बताओ जौना बेटी के बिना हम एक घंटा अलग ना रह पावे नी। अब वो बेटी से हफ्ता में एक घंटा मिले के परमिशन मिलल बाटे। अब ते बताओ कि एक घंटा में का घंटा होई? चल एक काम कर, ते हमके हमार कमी बताओ। ए भाई तोहार कौनो कमी नहीं के। ना चिलगो जा, कमी तो बात तबे तो हमार मेहरारू हमके छोड़ के चल गए। अरे हम कह देनी ना तोहार कौनो कमी नहीं। अबे कमी बात तू बताओ। दोस्त वो होला जे दोस्त के दोस्त का कमी बताओ। वो ए सच्चा दोस्त होला, ते बताओ हमके हमार कमी। का बता दें? बुरा तो ना मनबा ना? ना मानब। तो के ना भौजी के समझदारी से राखे के चाहता। ऊ कहाँ इतना बड़ घर के बेटी और तू एगो मामूली आदमी। रुक रुक रुक, ते हमके मामूली आदमी कहले हमके बुरा ना लागल। ना लागल ना ना, ना, ना। चल आगे बोल। हम कहाँ रानी? हाँ भौजी के ना समझदारी से समझौले रहता तो बात यहाँ ले ना पहुँचती। लेकिन ना तोहार हाल तो ऊ हो गेल रहे जैसे बंदर के ना हीरा मिल गई, एकदम बलबला गेल रहला। रुक रुक रुक, देख ते हमके अबे बंदर कहले। देख हमके बुरा नहीं खेलागा, देख आगे बोल। केहू सच कहले बा, अगर लंगूर के ना हूर मिल जाला तो ऐसे होकर कदर ना होला। और तू भौजी पे लगला तानाशाही करे। अगर हम जज होती ना तो कुर्सी पे बैठल रहती तो 5 साल खातिर तोरा के अंदर कर देती। गिलास दे। हमार वाला ला। तनी खड़ा हो खबे। अच्छा खड़ा हो। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।